जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। हम हमेशा करते हैं सीओ सिलेक्शन, एंड व्हेन आई से समथिंग आई मीन इट। जब मैं किसी चीज को आपके सामने रख रहा हूं फुल कॉन्फिडेंस से, मैं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम प्री का बात करें, ठीक है, तीन सब्जेक्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे 80 क्वेश्चंस आपका कट ऑफ जाए, स्टिल अगर आपने उन चीजों को फॉलो किया है जो हमने किया था, आप इजिली प्री निकालोगे, मेंस निकालोगे और फाइनल मेरिट भी बनाओगे। प्री का बात करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम आपको किस तरीके से करवा रहे हैं, आपको हम मंथ वाइज एनालिसिस करवा रहे हैं। दूसरा, हम आपको टॉपिक वाइज ट्रिक से करवा रहे हैं, चाहे वो इंडेक्स हो, फेस्टिवल हो, जीआई टैग हो, हर एक चीज। तीसरा, हम सेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हैंड रिटन, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन। इन तीनों को अगर आप क्लब कर देते हो और प्लस आप अपना मेहनत उसमें लगा देते हो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। तो ये था करंट। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप कह सकते हो, वो है आपका साइंस। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर 25 क्वेश्चंस आया तो 25 में 20 प्लस हर कोई लेके आएगा, बस वही है, मेहनत आपको करना पड़ेगा। जो भी चीजें आपको दी जा रही है साइंस, कोई भी, ठीक है, पूरे YouTube में कहीं भी आप पढ़ लो, जिस लेवल तक हम आपको पढ़ा रहे हैं पूरा जान लगा दिए साइंस में, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनल मेरिट जो बनेगा वो साइंस से ही बनेगा। हिस्ट्री लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें आप इजली, कोई समझने के लिए नहीं है, चीजें बस रटना है और कोरिलेट करना है। तो दूसरा हुआ आपका साइंस, जो हम आपको स्पीडी से करवा रहे हैं, पेपर एनालिसिस करवा रहे हैं, इवन यूपीपीसीएस का पेपर भी हम एनालिसिस करवा रहे हैं, मद्य निषेध का हर एक चीज, प्लस एक और सब्जेक्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन तीनों के साथ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, उसको आप फॉलो कीजिए, और पेपर जब हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो अब हम हिस्ट्री को भी लेके साथ में चलेंगे। बाकी सब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, उसको भी आप उसको उस तरीके से करना है। और एक आता है स्टैटिक जीके, हर एक पॉइंट आपके दिमाग में छापा जा रहा है, कोई आपसे बेहतर हो ही नहीं सकता, ये आपको भी पता है जो हमसे जुड़े हैं। आप कहीं भी पढ़ लो, कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता है ड्रीम डोज को, क्योंकि हम यहां मेहनत नहीं, जान लगाए हुए आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगले दो दिन आप क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है, और एकदम इन चीजों को कंप्लीट करते हुए चलना है। ऐप का भी लिंक है, आप ऐप पे भी जुड़ के पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो, नीचे लिंक है। जितने लोग नहीं जुड़े, स्टेटस आप जरूर फॉलो कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा किस लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। देखिए तो अगला दो दिन जो आप पढ़ोगे, देखिए सबसे पहले हमने लास्ट जो कंप्लीट किया था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र कंप्लीट किया था, उसे बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया था आपको, क्रैब साइकिल, ठीक है, आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में समझाया, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। आज जो आप करोगे उत्सर्जन तंत्र, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ोगे, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किसको कहा जाता है, तो वो है आपका नेफ्रॉन। किडनी किस तरीके से एक छकनी का काम करती है बोल सकते हो, जो अच्छा चीज है वो रख लेता है बॉडी में, जो गंदा चीज है वो बॉडी से निकाल देता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दो आपको किडनी है, हम सबको पता है, ठीक है, तो आज आप एक्सक्रेटरी सिस्टम के सामने पढ़ोगे। और इसके लिए हमेशा जैसा कि हम बोलते हैं, ड्रीम डोज का वीडियो पीडीएफ आपको पहले दिया जाएगा, उसके बाद जो बुक जिस तरीके से बताया गया उस बुक को आपको फॉलो करना है, और कुछ पेजेस जो दिए जाएंगे वो भी आपको पढ़ना है, बट सबसे पहले आपको चीजों को समझ लेना है ड्रीम डोज के वीडियो से। और प्रैक्टिस आपको कहां करना है वो हम बता चुके हैं, यूथ कंपटीशन का बुक से कीजिए या आपको जो भी है, ठीक है, बट पहले आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, आपको किससे, ड्रीम डोज से का देख लेना है, उसके बाद वीडियो पीडीएफ करने के बाद कुछ बुक के जो पेजेस होंगे वो भी कर लेना है, और एनसीईआरटी सार हमेशा साथ में लेके चलना है, उसके बाद जिस बुक से आप प्रैक्टिस करना चाहो हमने यूथ कॉम्पिटिशन का बुक आपके लिए डाल दिया। दूसरा जो आता है आपका हिस्ट्री, आज आप करोगे यहां से सियोर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप गवर्नर, ठीक है, ऑफ बंगाल, मैं क्या बोला, गवर्नर ऑफ बंगाल से स्टार्ट करोगे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में जाओगे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में जाओगे, फिर आप वाइसराय पढ़ोगे, और फिर गवर्नर जनरल ऑफ थ्री इंडिया में आप आ जाओगे। ये टॉपिक से सियोर है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम ड्रीम डोज का वीडियो बुक पेजेस सब आपको दिए जाएंगे, आपको पढ़ लेना है इसको। उसके बाद करंट, माय बाप है प्री का, अगर दिमाग जो है ना एग्जामिनर का घूम गया तो ये आपका 32 क्वेश्चन तक सिर्फ आपका करंट दिखेगा, ठीक है, और उसके बाद आपका साइंस और उसके बाद हिस्ट्री। देखिए करंट हम सबसे पहले आज आप क्या करोगे, 1 से लेकर 10 मार्च तक आप करोगे। दूसरा बुक का दूसरा ट्रिक आएगा, बुक वाला पेजेस हमने आपको दिया, ठीक है, तो करंट का जो बुक का जो दूसरा पार्ट ट्रिक वाला, करंट वाला बुक, ठीक है, अभी जो बुक है जैसे विक्ट्री पूछ लिया जाएगा, सलमान रुशदी ने लिखा है, ठीक है, आप पहले क्यों नहीं आए, ठीक है, किसने लिखा है, कैलाश सत्यार्थी ने, छाप दिया है ना आपके दिमाग में, याद रखिएगा, ठीक है, ये सब ट्रिक से। तो आपको 1 से लेकर 10 मार्च तक आपको करना है, प्लस बुक का ट्रिक वाला आएगा, अपना एफर्ट, देखो पढ़ा हम 2000 लोगों को पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है, आपको जो अगर ग्रुप में होगे तो 2000 का सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन किसका होगा, जो अपना एफर्ट देगा, ये मैं फिर से बार बार कहता हूं कि अपना एफर्ट से सिलेक्शन होता है। देखो उसके बाद आपको क्या करना है, एक तो बुक वाला ट्रिक वाला मिलेगा, उसके बाद एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमेशा एक चीज अगर आपने देखा है, दरोगा का पेपर एनालिसिस नहीं करो तो करो, ठीक है,
आपने हमेशा देखा कि आईआईटी रिलेटेड से पूछा जाता है, ठीक है, कि सारंग फेस्टिवल किस आईआईटी में हुआ है, ठीक है। अभी क्वांटम अवार्ड जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, आपको आईआईटी मद्रास को दिया गया, सारंग फेस्टिवल भी आपको आईआईटी मद्रास, भारत ओएस किसने बनाया, ठीक है, टचलेस बायोमेट्रिक आईआईटी बॉम्बे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आज हम लोग करेंगे, ठीक है। आप बस हम पे छोड़ दो, बस पढ़ते चलो, ठीक है। स्पीडी का ट्रिक वाला वीडियो और आपको ये दिया जाएगा, स्टैटिक जीके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जहां से हमेशा 10 से 12 क्वेश्चंस मिला के आ जाते हैं। आज पहला आपका ट्रिक वाला होगा संसद, जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है कि जापान का संसद का नाम क्या है, ठीक है, आपका स्पेन का संसद का नाम क्या है, इस टाइप के जो पूछा जाता है, बंगाल का संसद का क्या नाम है, तो इसको आप ट्रिक से करोगे। दूसरा एक और आप करोगे, है तो ज्योग्राफी का, पर मैंने स्टैटिक में डाल दिया, नदी के किनारे बसे हुए शहर, ये हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, तो ये दूसरा होगा 23-50 क्वेश्चंस का जो होता है। और अब 20-20 क्वेश्चंस का हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, बहुत सारा चीज हो जाता है, बट जो चीज इंपॉर्टेंट है वो सब हम आपके सामने रखने वाले। उसके बाद जीके जीएस पढ़ते रहिएगा, स्पीडी वाला एक एक पेज दो दो पेज, ठीक है, और घटना चक्र का जो वीडियो आ रहा है वो भी आता रहेगा, और मैथ्स एंड रीजनिंग के वीडियो जो है आपको ऐप पे अपलोड होते रहेंगे। तो मेहनत करना है, देखिए इतना चीज आप तभी कर पाओगे जब आप कम से कम 8-9 घंटा आप दिन में पढ़ोगे, ठीक है, और उतना अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हर चीज आपके सामने है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां छोड़ना है, हर एक चीज हम यहां आपके लिए दे रहे हैं, बस आपको क्या करना है, पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम डोज, आप सबसे बेटर स्टेट पे हो मुझे पता है, और आप सियोर सिलेक्शन लोगे, तो नीचे लिंक होगा, जुड़ जाएगा जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। जय हिंद।